और जो तुम हो गए युद्ध कुतरा तो पहले मर जइयो। लक्ष्मण यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो छोटे के रहते बड़े पे आंच ना आवे। ये जो है मानस से हमें शिक्षा मिलती है, आपस में प्रेम और एकता के साथ में रहना है, इसीलिए हमारे कार्य होते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परमादरणीय परम सम्माननीय भागवत आचार्य श्रद्धेय श्री देवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन करूंगा आए 85 न होकर के, क्योंकि समय आज ठंडी का समय तो है, 4:30 बज गया है, 15 मिनट अपना आशीर्वचन भक्तों के समक्ष, इसके उपरांत गुरुदेव की वाणी अवश्य सुनकर जाए माताओं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हनुमान जी की कृपा से समय मिला है, थोड़ा समय भी 10-5 मिनट अधिक हो जाए तो चिंता ना करें। हरिओम। ओम भैया आवाज थोड़ा ट्रबल दे और हरिओम। ओम समय अनुसार 2 मिनट मंगलाचरण करूंगा, 5-6 मिनट चर्चा करूंगा और 5 मिनट भजन सुनाऊंगा, बस इतने ही समय। बंदे बोधिमयम् नित्यम् गुरु में शंकर रूपणम् यमाश्रता ही वक्रापि चंद्राय सर्वत्र वंदते परम पूज प्रातारमण स्मरणीय तत्वदर्शी वेदांत मर्मज्ञ अखंड मंडल मार्तंड श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ योग पुरुष गुरुदेव जी भगवान तथा परमादनीय परम श्रद्धेय परम पूज्य महोबाजे पुसारे स्वामी जी महाराज, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, हमारे संचालक जी और कमेटी के सभी कर्मठ बंधु, दूर दूर से पधारे सभी त्यागी तपस्वी वीतराग संत महापुरुष, भक्ता अनुरागी सज्जनों, मात्र शक्ति साउंड सर्विस, आज का ये अंतिम सत्र का अंतिम समय है। जो भी वाणी संत बोल रहे हैं आप लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेकर के अपने जीवन को धन धन कृत कर करें। भगवान आपको सद्बुद्धि दें। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी भी आप लोगों समक्ष, एक सूत्र है, बहुत कुछ कहा गया है आप लोगों के समक्ष। भगवान कृष्ण एक सूत्र देते, अपि चेदस पापिभ्या सर्वेभ्या प्राप्तृतम सर्वज्ञानम लवेने व्रजनम संतरश्यसि। वो कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, कितना भी तू बड़ा पापी है लेकिन एक बार ज्ञान की नौका में बैठ जाएगा तो इस जो है भयंकर भवसागर से पार हो जाएगा। नौकाएं बहुत हैं पार जाने के लिए, भक्ति की नौका, सत्संग की नौका, दान की नौका, ज्ञान की नौका। वो कह रहे हैं कि ज्ञान की नौका में बैठ जाएगा तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो इस दुख रूपी समुद्र से तर जाएगा। लेकिन हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम छीयते कर्म जन्म कोर सत।
किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। और वो कह रहे हैं ज्ञान की नौका में बैठ जाओगे, कितने बड़े पापी क्यों न हो, भव से पार हो जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, ज्ञान की नौका में बैठ जाओगे तो भव से पार हो जाओगे। क्यों, ऐसा क्यों है? ज्ञान की नौका क्या है? ज्ञान की नौका ऐसी कौन सी, उसमें मशीन लगी कौन सी युक्ति है, क्या उसमें ऐसा प्रभाव है जो उसमें बैठ जाओगे? ज्ञान की नौका में जिस समय आप बैठ जाओगे तो आप करता ही नहीं रहोगे। क्यों? जब हम करता होते हैं तभी पापी होते हैं, तभी पुण्यात्मा होते हैं। नयम किंचित करोमि यदि युक्तो मन्ये तत्त्वित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शनं जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वप्न सुपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिन सिन्न में सिनापि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। क्या है? नयम किंचित करोमि, यानी मैं करता ही नहीं। पश्यन् देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, स्वाद लेता हुआ, श्वास लेता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, ये सब जो है इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं करता ही नहीं हूं। जब करता नहीं हूं तो पापी हो कैसे सकता हूं? ये है ज्ञान की नौका। इसमें अगर एक बार बैठ जाएंगे तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। आपको कुछ ज्यादा प्रपंच करना नहीं है। आपके मन में निश्चय हो जाए, प्रकृति क्रियमाणान गुणय कर्माण सर्वसा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वसा, सारे कर्म प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। और तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा करके ये किया तो मैं मकान तो खंडा से खंडा बनवा लिया, मैंने बच्चे को पढ़ाया और बड़ी मेहनत करके मैंने उसको सर्विस में लगा दिया, और इतनी मेहनत करके मैंने जमीन इतनी खरीद ली, फलाना कर लिया। लेकिन प्रकृति क्रियमाण गुणय कर्माण सर्वसा अहंकार विभूण आत्मा, बहुत बड़ी बात कृष्ण ने कही। अहंकार, भले आप बहुत सारी डिग्रियां लिए हैं, डिप्लोमा भी होंगे आपके पास, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? अगर इस बात का आपको ज्ञान नहीं, करता कौन है, कर्म कैसे होते हैं, अगर इस विषय का आपको ज्ञान नहीं है तो विभूण यानी मूर्ख ही हो, भले कितना भी पढ़े लिखे हो। अहंकार में मूढ़ आत्मा जो करता अपने आप को मानता है वो अहंकारी है और मूर्ख है। अगर आपको भव से पार जाना है तो आज से निष्कर्म कर्म, निष्क्रिय कर्म करो, यानी जो भी करो भगवान को अर्पण करके करो। और ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, हे प्रभु जो कुछ भी कर रहा हूं तेरे लिए, क्योंकि तूने मुझे शरीर दिया है, शरीर के पोषण के लिए मैं उपार्जन कर रहा हूं, तूने मुझे परिवार दिया है तो परिवार भी तेरा है, मैं भी तेरा हूं, सब कुछ तेरा है, धन दौलत जमीन जायदाद घर मकान ये शरीर परिवार सब तेरा है, और तेरा ही मैं नौकर हूं, काम कर रहा हूं। ऐसी वृत्ति बनाकर काम करोगे तो आपका कल्याण होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है, भजन सुना करके वाणी पर विराम देंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कसौटी से लोहा सुधर जात, ये लोहा जड़ है कि चेतन बोलो। घन की कसौटी से लोहा सुधर जात और सोना सुधर जात, सुनार घर जाने से पढ़ी के वसूला से लकड़ी सुधर जात और कपड़ा सुधर जात है दर्जी पास जाने से। सुधर जात और माटी सुधर जात है कुम्हार पास जाने से और सत्संग में आने से आदमी सुधर जात, जीवात्मा सुधर जात गुरु शरण में आ जाने से, जीवात्मा सुधर जात गुरु शरण में आ जाने से। हो अगर आप अपने को पाए, आप क्या है, चेतन है कि जड़ है, लकड़ी है कि मिट्टी है, लोहा है आग है पानी है, आप क्या है? अगर आप अपने को ना जान
इसका अर्थ ये नहीं है। कहीं भी कोई दो दिन के हाँ समय में कोई